बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के आतंक और जिला प्रशासन के ढुलमुल रवैये से परेशान चिटाही के रहने वाले अशोक महतो अपने पूरे परिवार के साथ धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 18 अप्रैल से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन पर बैठे पीड़ित अशोक कुमार और उनकी पत्नी कुंती देवी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाघमारा अंचल के टुंडू मोजा में उनकी रैयती जमीन है और ये जमीन रामराज मंदिर परिसर में स्थित है, जिसे बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो लंबे समय से छीनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार विधायक के लोगों के द्वारा मारपीट भी की जा चुकी है और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी जा चुकी है। साथ ही मंदिर परिसर में उनके दुकान के समीप विधायक ढुल्लू महतो के द्वारा जबरन पानी का टैंकर लगा दिया गया है, जिससे उनकी रोजी रोटी भी बंद हो गई है। इस बाबत उन्होंने बरोरा थाना में आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए अब मजबूरन न्याय के लिए उन्होंने परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठने का फैसला लिया। कारण बैठने का यही है कि जिस तरह से रोज रोज हम लोग प्रताड़ित कर रहा है, आए दिन रोज धमकी दे रहा है कि दुकान से हटा दिए, अब घर से भी हटाएंगे। कौन दे रहा धमकी? ढुल्लू महतो विधायक बाघमारा के बीजेपी। क्या वजह है, क्यों धमकी देता है? उसको जमीन चाहिए, वहाँ का पूरा जितना है, वहाँ का मंदिर का जो बचा है, मंदिर बनने के बाद भी वो सारा जमीन चाहिए उसको, वही लालसा है। मतलब वो जो हम लोग के साथ अन्याय कर रहा है वही है। हम लोग प्रशासन के पास बहुत 2-3 महीना से जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। सारे सबूत होने के बावजूद सब पक्ष उसी के तरफ से बोल रहा है। यही वजह है कि आज हम लोग को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। प्रशासन हमारा वजह है, सबसे बड़ा वजह प्रशासन है, जिसकी वजह से। क्या दिक्कत दे रहा है आपको ढुल्लू महतो, क्या कर रहा है ढुल्लू महतो? पहले तो हम लोग का जमीन छीनने के लिए अपना जी जान सब लगा लिया, जब वो उसका काम नहीं आया, जब हम लोग अपने टिके रहे कि हम लोग जमीन नहीं देंगे, तो वो अपना नया नया षड्यंत्र रचने लगा। पहले ट्रैक्टर लगा, पहले वहाँ से हम लोग को हटने के लिए धमकी देने लगा। जब हम लोग प्रशासन के पास गए और मेरे पापा ने पहले ही बोल दिया था कि अगर दुकान हट गया तो हम लोग हम लोग मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, तब प्रशासन हम लोग वहाँ से मंदिर में दुकान नहीं हटाने दिया। समस्या है कि हम लोग विधायक से एकदम तंग आए हैं, इतना ने प्रताड़ित और इतना ने शोषण कर रहा है कि हम लोग अब कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है, तो लास्ट उपाय हम लोग यही लगा। कौन विधायक? बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो। क्या परेशानी है आपको? परेशानी है कि हम लोग का दुकान है, 2 महीने से बंद करा दिया है, उसी से हम लोग का रोजी रोटी चलता था, 2 महीने से हम लोग भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं। क्या किया अभी तक आपने इसको लेकर के, किसके किसके पास आप गए? हम इंसाफ की मांग किससे किससे किए हैं आप? सी साहब, SSP से, SDM साहब से, यहाँ तो जिला प्रशासन सबसे, मुख्यमंत्री के लिखे, राज्यपाल के यहाँ जाके धरना दिए, अर्धनगर प्रशासन किए, वहीं से कोई सुनवाई नहीं। क्या लग रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे विधायक का पैसा और पावर का है। 10 फरवरी को टैंकर लगा दिया अपना, हर प्रशासन के पास से कोनो सुनवाई नहीं हुआ। जब लास्ट टाइम हम लोग अपना ठेला से थोड़ा सा जगह बचा में आगे और थोड़ा सा पीछे, उसने अपना इडली भूमि का दुकान बेचने लगे, उसको पूरा एकदम उससे घुसा लगा देख देख के जाना था, उसके बाद एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ। 12 को अपना गाड़ी से फोर व्हीलर इसमें जाता है पूजा करने के लिए, उसमें टक्कर मार के मेरा ठेला को पूरा दूर तक पहुँचा दिया, पूरा पहुँचा दिया। उसके बाद हम ही लोग हम ही पूरा गाली देने लगा, नन फोन और एक थप्पड़ मारबो किया था यहाँ तक। फिर हम लोग बोडरा थाना गए, बोडरा थाना में दिखाए शिकायत, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तारी नहीं किया गया, किसी को कुछ नहीं किया गया अभी तक। तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के? यहाँ पर हम लोग अमरण अनशन। क्या लगता है इस अब अमरण अनशन से आपकी मांगे पूरी होगी? क्या करेंगे, तो हर जगह हम लोग गए, राजभवन गए, हर पुलिस चौकी, हर जगह हर चीज का दरवाजा खटखटाया नहीं, गरीब आदमी का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वहीं इस मामले में जब धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की छानबीन की जाएगी। एक शिकायत, अगर कोई आवेदन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ किसी की शिकायत है कि उनकी जमीन जबरदस्ती किसी के द्वारा कब्जा कर ली गई है या उनकी जमीन से बेदखल किया गया है, तो वो कोई शिकायत अगर वहाँ जो संबंधित रैयत या आवेदक हैं वो देते हैं, तो उसमें अनुमंडल पदाधिकारी को और जो संबंधित अंचल अधिकारी हैं उनको जाँच करके आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया जाएगा। SDO के पास में और स्थानीय थाने में भी शिकायत की गई थी, लेकिन पूर्व में, लेकिन ऐसा कोई उनके सहयोग के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अच्छा, तो अभी एक बार हम उसका एक स्टेटस देख लेते हैं कि पूर्व में जो शिकायत प्राप्त हुई है उसमें क्या कोई जांच या कार्रवाई हुई है, और नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है।
अद्यतन कार्रवाई उसमें वर्तमान में फील्ड में जो स्थिति है और जो आवेदक या शिकायतकर्ता है उनका जो दावा है उसकी जांच करके इंश्योर कराई जाएगी। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।